ठंड को देखते हुए गाजीपुर में जॉइंट मेडिकल फोरम की तत्वावधान में जिला अधिकारी महोदय के हाथों से गरीबों को बांटा गया 700 कंबल। देखिए खबरें आज भी के लिए जनपद गाजीपुर से इजहार खान की रिपोर्ट। और डॉक्टर सभी लोग और मेरे जनपद के सभी नागरिक आए हुए हैं कंबल खाने के लिए। लेकिन बहुत ठंड का मौसम है, शीतलहर है और इस मौसम में जो कुछ भी हम एक दूसरे के लिए कर सकें ताकि लोग सुरक्षित रहें, हम बच्चों को करना चाहिए। और वो किसी की बात है जो जॉइंट मेडिकल फोरम ने ये इनिशिएटिव लिया है और आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको अभिवादन करती हूँ। और क्योंकि बहुत आगे की ठंड हो रही है तो मैं चाहूँगी कि इसको हम जैसे सभी कंबल को वितरित कर दूँ, लोगों को इससे सहायता मिले। तो मैं पुनः आप सबको बधाई दूंगी और मैं चाहूँगी कि आगे आप लोग मैडम आज कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल वितरण किया गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा ये एक प्रयास है जॉइंट मेडिकल फोरम संस्था द्वारा। सभी डॉक्टर्स जो एलोपैथी की नहीं साथ साथ आयुर्वेदिक होम्योपैथी जो भी इस मेडिकल प्रैक्टिस जुड़े हुए हैं, एक अच्छा प्रयास किया है कि शीतलहर में कंबल बांटे गरीब लोगों को। और इस प्रयास के बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। और 700 लोगों को कंबल बांटने का इन्होंने टारगेट किया है तो ये अत्यंत प्रशंसनीय इनका कदम है। मैं अभिवादन करती हूँ और आगे भी सब लोगों से अपील करूँगी कि जो भी प्रबुद्धजन हैं सामने आए और गरीबों को सहायता जो भी हो सके शीतलहर में सहायता दे। बढ़ते ठंड में शहर में या फिर ग्रामीण इलाकों में सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए हम सरकार की तरफ से हम लोगों ने कंबल 12,000 कंबल हम लोगों ने प्रोक्योर किए हैं और वितरण चल रहा है और की डिमांड भी आई है और हम और कंबल अभी ले रहे हैं। जितनी भी डिमांड आएगी तहसीलों से सभी को कंबल उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छी क्वालिटी के कंबल आए हैं और सबको वो दिया जाएगा। साथ ही अलाव जलाए जा रहे हैं, कम से कम करीब 250 जगह हम लोग अलाव जलवा रहे हैं और भी जहाँ से डिमांड आ रही है उसके लिए भी हम लोग अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। और रैन बसीरे हमारे संचालित हैं, स्टेशन के पास भी रैन बसीरे संचालित है और काफ़ी अच्छे से फंक्शन कर रहा है। मैं सबसे अपील करूँगी कि जिनको भी रात में रुकना हो वो रैन बसेरों का जरूर उपयोग करें और जो भी अलाव जलाए जा रहे हैं उसका प्रचार प्रसार हो ताकि बहुत फायदा मिल सके। अहम एक मुद्दा है जो शहर भर में CCTV कैमरे लगाए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, सभी कैमरे बंद हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा की बात की जा रही है, कैसे संभव है? देखिए ये कुछ कैमरेज विभिन्न लोगों द्वारा लगाए गए थे प्राइवेटली और कुछ पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए थे। तो सभी कैमरे का हम लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे कि कितने चल रहे हैं, कितने बंद हैं। और जो पुलिस विभाग द्वारा चलाए गए थे तत्काल उनको क्रियाशील करने के लिए SP साहब से बातचीत करके उसको करा। दो दिन पूर्व एक सातियाबाद के कुछ महिलाएं और पुरुष आए थे जिसको बताया जा रहा था कि घर से निकाल दिया गया, क्या मामला था? सॉरी ग्राम पंचायत का प्रकरण था, उसमें कुछ बिंद परिवार आए थे। इन्होंने बताया था कि कोई ग्राम पंचायत द्वारा कुछ लोगों को सोशली बॉयकॉट किया गया है जो कि पूर्ण रूप से अवैधिक कृत्य है। SDM को इसकी जाँच दी गई है, अगर तथ्य सही पाया जाता है तो विधिक कार्रवाई की गई। थैंक यू।